हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनी वॉइस पर। रात का वक्त था और अभी तक मेरी आँख ठीक से नहीं खुली थी जब मुझे पता चला कि मैं एक लाइन में खड़ी हूँ। हम लोग जेल में थे, मैं एक मुजरिम थी, लेकिन रात के इस वक्त ये लोग हमें कहाँ ले जा रहे थे, समझ से बाहर था। हमें ऐसे खड़ा किया गया था जैसे खाना लेने के लिए इंसान लाइन में खड़ा होता है, लेकिन आधी रात को कौन सा खाना, ये तो हम अच्छी तरह जानते थे कि मामला कुछ और था। मैं देख रही थी कि सारी लड़कियां ही खूबसूरत थी और दुबली पतली थी। जो औरतें अधेड़ उम्र में और भारी भरकम वजूद थी, वो उनको इस लाइन से निकाल दिया जा रहा था। हम लोग आगे चलते जा रहे थे और एक कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। मेरे पास से एक औरत गुजरी जो यहाँ पर सिपाही थी। मैंने कहा कि ये सब क्या हो रहा है, कहाँ ले जा रहे हैं हमें, तो उसने अपने सख्त हाथ से मेरे मुंह को पकड़ा और कहा, शहजादी तू नहीं आई है ना, तुझे अभी पता चल जाएगा, फिक्र ना कर, तुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। मैंने कहा कि क्या मतलब, उसने कहा अभी सबको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है और तेरी जैसी की तो बहुत मज़े होते हैं। मैंने कहा कि क्या मतलब मेरी जैसी, उसने कहा अरे तारीफ़ कर रही हूँ, तू खूबसूरत है, जवान जहाँ है, जवान लड़कियों की बड़ी कदर है इस जेल में। मैंने कहा मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही, उसने कहा आ जाएगी समझ, चुप करके लाइन में लगी रह। उसने मुझे धक्का दिया और मैं आगे चल पड़ी। थोड़ी देर के बाद देखा तो रास्ते में एक औरत बैठी थी जो अपने पास से गुजरती हर लड़की को कोई चीज़ पकड़वा रही थी और ऐसे दे रही थी जैसे कोई बहुत ही खुफिया चीज़ हो। मेरी बारी भी आ गई और उसने मेरे हाथ में वो चीज़ पकड़ा दी। मैंने कहा ये क्या है, उसने कहा ये तुम्हारे बहुत ही काम आएगी, इसके बिना तुम्हारी हालत बहुत बुरी हो जाएगी, इसलिए इसे अपने पास रखना। मैंने कहा लेकिन इसे मेरा क्या फ़ायदा होगा, उसने कहा ये तो तुम्हें पता चलेगा जब तुम्हारे ऊपर वो सब हालात गुजरेंगे, फिर तुम्हें पता चलेगा कि इसके बिना तुम्हारा बहुत ही नुकसान हो जाता। अब आगे लगो, वो चीज़ भी मेरे हाथ में थी जिसका उस वक्त इस जेल में कोई भी काम नहीं था। कुछ औरतें तो उस चीज़ को अपने मुंह में भी डाल चुकी थी। फिर उन्होंने हमें पहनने के लिए अजीब से कपड़े दिए, ऐसे कपड़े हम कैसे पहन सकते थे, ऐसे लगता था कि अंग्रेज़ों के कपड़े उठाकर हमारे लिए ले आए हैं। हम भारतीय नारियाँ ऐसे कपड़े नहीं पहनती, लेकिन यहाँ पर सारी औरतें ही ऐसी थी। उन्होंने हमें कहा कि तुम लोगों को पहनने ही होगी क्योंकि जो काम हमने तुमसे करवाना है वो इन्हीं कपड़ों में हो सकता है, वरना तुम लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी और हमारे लिए भी। सब औरतें उनकी बात मान रही थी क्योंकि पहला दिन था, इसलिए मुझे अजीब लग रहा था, लेकिन मुझे पता था कि अगर बात ना मानी तो क्या होगा। ये जेल थी, यहाँ पर क्या होता, ज़रा ज़रा सी बात पर तो मुँह पर थप्पड़ लग जाता था। अगर कोई ऐसी बात कर देती जो उन्हें बुरी लगती तो फिर क्या होता। मैं डर भी रही थी क्योंकि मेरा तो पहला ही दिन था। हम लोगों ने वही कपड़े पहन लिए। खैर, हम लोग आगे बढ़ गए और फिर उस कमरे तक भी पहुंच गए जहां पर सब लड़कियों को भेजा जा रहा था। मैंने जब सामने का मंजर देखा तो मैं हैरान रह गई। वहां पर कुछ लोग भी मौजूद थे। एक आदमी ने मुझे देखा और दूसरे से पूछा, ये नई है क्या, उसने कहा हाँ ये तो कल ही आई थी, उसने कहा फिर इसको सबसे आगे खड़ा करो। दूसरे आदमी ने कहा क्यों, इसको तो कुछ भी पता ही नहीं है, ये गड़बड़ कर देगी, उसने कहा अरे ये बहुत ही खूबसूरत और जवान है, ये गड़बड़ भी करेगी तो कोई इसको कुछ नहीं कहेगा, इसे लाइन में सबसे आगे लगाओ, चलो रास्ता बनाओ इसके लिए। और जब मैं आगे गई तो सामने का मंजर देख के चीख उठी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इस जेल में ये लोग आधी रात को हमसे ये सब काम करवाएंगे। फिर मैंने उस चीज़ की तरफ देखा जो मुझे ये कहकर थमाई गई थी कि ये तुम्हारे काम आएगी, और मैंने उसे फौरन अपने मुंह के अंदर, मेरा नाम सीमा है, मुझे अपना ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं था इसलिए मुझे सब प्यार से सीमी कहते थे। मैं बहुत ही खूबसूरत और जवान थी, मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी इतना बड़ा मोड़ ले लेगी। मैं एक ऑफिस में काम करती थी जहाँ पर एक लड़की से मेरी दुश्मनी हो गई। हमें ऑफिस की तरफ से ही दूसरे मुल्क जाना था और हम लोग एयरपोर्ट से सफ़र कर रहे थे।
वो लड़की मेरी दुश्मन बन गई थी क्योंकि बॉस मुझसे बहुत ही अच्छी तरह से पेश आ रही थी। बहुत लोग वैसे तो उसको बुरा आदमी कह रहे थे, लेकिन शायद वो मुझसे मोहब्बत कर बैठे थे और इसीलिए उस लड़की ने मुझसे बदला लिया। मेरा सामान में नशा जैसी चीज़ें बरामद कर ली गई और मुझे जेल भेज दिया गया। उसने ना सिर्फ मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था, बल्कि उसके कुछ रिश्तेदार थे जो मुझे सज़ा दिलवाने पर ज़ोर लगाने लगे थे और उसने उससे मदद लेकर मुझे यहाँ भेज दिया। मैं अपने हक़ में कुछ भी ना बोल पाई क्योंकि मेरे सामान से वही चीज़ निकली थी। मैं यहाँ पर सारी ज़िंदगी के लिए तो नहीं आई थी, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही बड़ा सदमा था कि मुझे जेल भेज दिया गया था। बॉस को बुरा आदमी कहते थे, अब कहते थे तो बुरा आदमी है, लेकिन मेरे साथ बहुत ही अच्छा था और यही बात उस लड़की को बुरी लग गई थी क्योंकि वो बॉस ही कुछ खास बनना चाहती थी। बाद में मुझे मेरी एक दोस्त ने बताया कि बॉस तो तुमसे शादी करना चाहते हैं और वो बुरा आदमी है, लेकिन कुछ बुरे आदमी अपनी पसंदीदा औरत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। अरे कोई चोरी चोरी भी करता है ना और उसकी पत्नी होती है तो घर जाकर उसे कहते हैं कि देख मेरी जान, आज तेरी पसंद का खाना लेकर आया हूँ। बेशक चोरी से ही लाया हो, लेकिन अगर वो आदमी बुरा था तो वो उसका अपना मामला था, लेकिन तुमसे शादी करना चाहता था और तुझे अपनी पत्नी बनाना चाहता था और इस लड़की ने तुझे बदला लेने के लिए तुझे कहाँ फंसा दिया। मैं पढ़ी लिखी थी, अच्छे ख़ानदान की लड़की थी। हाँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं था, लेकिन मैं अच्छी लड़की थी, तभी तो इतनी बड़ी नौकरी मिली थी मुझे और अब मेरी ज़िंदगी एक जेल में गुजर रही थी। मेरे साथ वाकई बहुत ही बड़ा मजाक हुआ था। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, मैं अपनी मौसी के साथ रहती थी, लेकिन वो भी एक विधवा औरत थी, इसलिए वो मुझे बचाने के लिए कुछ ना कर सकी। शायद अभी भी कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी सज़ा शुरू हो गई थी। मुझे यहाँ पर वक्त गुजारना था और मुझे पता था कि मेरे पीछे कोई नहीं आएगा। मेरी मौसी पढ़ी लिखी नहीं थी, उसे चीज़ों का पता नहीं था कि उसे क्या करना है। बस यही इंतज़ार था कि जल्दी जल्दी मेरी सज़ा ख़त्म हो जाए। मैं कोई चुपचाप रहने वाली लड़की तो नहीं थी, अपने हक़ के लिए बोलना आता था मेरे से, और इस दावे में मैं बुरी तरह से फंस गई थी और किसी ने भी मेरा यकीन नहीं किया था। कभी कभी अच्छे लोगों के साथ भी बुरा हो जाता है और वो कुछ नहीं कर पाते। मेरे साथ भी यही सब कुछ हुआ था। रात हुई तो हमें जगा दिया गया। आज मेरा इस जेल में लगभग दूसरा दिन था क्योंकि मैं कल शाम के वक्त यहाँ लाई गई थी और इसके बाद मुझे कहा गया कि जाओ जाकर कपड़े बदल लो और पहनने के लिए मजबूत जूते दिए गए। मैं हैरान हुई कि ये सब क्या है। ये जूते उनके अपने पास थे। मैंने एक जूता पहना तो मेरे पैरों में नहीं आया। उसने कहा कि अगर तुम्हारा जूता तुम्हें पूरा नहीं हुआ तो फिर तुम काम कैसे करोगी। मैंने कहा कौन सा काम। उसने कहा वही काम जो तुम यहाँ करने के लिए आई हो, तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा, फिक्र नहीं करो। मैंने पूछा कि क्या कोई मेहनत वाला काम है, तो उसने कहा नहीं, मेहनत का काम नहीं है, वो काम तो हम लोगों ने तुमसे सुबह से करवा लिए थे। ये तो ऐसा काम है जो हर औरत करना चाहती है और इसी के लिए तो वो सारी ज़िंदगी जीती है। मुझे उसकी बातें तो समझ ही नहीं आ रही थी, लेकिन इसके बाद मुझे एक लाइन में लगा दिया गया और ये लाइन बहुत ही आगे जा रही थी। मैंने देखा कि मेरे आगे एक मोटी सी औरत खड़ी थी, तो एक दूसरी औरत जो जेल में काम करती थी वो आगे बढ़ी और उसने कहा अरे बीबी, तू कहाँ से इस लाइन में आके खड़ी हो गई है, तेरा क्या काम है, तेरे अंदर अब रह ही क्या गया है। उसने कहा तेरे गोश्त ने तो हड्डी छोड़ दी है, अदरक हो गई है तू, कहीं से भी बढ़ रही है। ऐसा कहकर वो औरत खुद ही हंस दी, कहने लगी तेरे अंदर बचा ही क्या है जो तू इस लाइन में लग गई है, चल निकल यहाँ से। उसने कहा नहीं नहीं, प्लीज़ भगवान के नाम पर मुझे भी जाने दो, मेरा भी कोई फ़ायदा हो जाएगा। उस औरत ने कहा तेरा अब कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, तेरे फ़ायदे की उम्र गुजर गई, अब तू ना तो किसी का फ़ायदा पहुंचा सकती है और ना ही किसी को अपना फ़ायदा हो सकता है, इसलिए तू भी इस लाइन से निकल जा और यहाँ से फुट ले, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। उसने कहा नहीं, मुझे पैसों की ज़रूरत है। उस औरत ने कहा मुझे काम करने दो, मैं बहुत ही अच्छा काम करूँगी। तब औरत ने कहा अब तेरे अंदर रह ही क्या गया जो तू अच्छा काम करेगी, तुझसे तो अपना आप नहीं संभला जाता, बड़ी आई किसी को खुश करने वाली, चल निकल यहाँ से। उसे उस लाइन से निकाल दिया गया और उसकी जैसी बाकी औरतों को भी निकाला जा रहा था। बाद में वो कर्मचारी आपस में बातें कर रही थी और कह रही थी
कि देखो इन औरतों के हालात, उम्र गुजर गई लेकिन दिल नहीं भरता इनका, कैसे लाइन में लग जाती है। दूसरी ने कहा, तड़प ही ऐसी है, दिल नहीं भरता ना इनका। और इस बात पर वो दोनों हंसने लगी। हमें जानवरों की तरह लाइन में लगाया था, उल्टे सीधे कपड़े पहनने को दे रही थी और काम करवाने की बातें कर रही थी और खुद कैसे हंस रही थी। ये जेल बहुत ही बड़ी थी और कहाँ, यहाँ पर न जाने कितनी सौ औरतें सज़ा काट रही थी। इस लाइन में अब सिर्फ खूबसूरत जवान और दुबली पतली औरतें खड़ी थी जिनको कोई बीमारी भी नहीं थी। थोड़ी देर के बाद जेलर साहब भी वहाँ आ गए। उन्होंने कहा, इन सब को लाइन में लगाओ, बहुत ही ज़रूरी काम है। इतना कहकर उन्होंने मुझे एक नज़र देखा। मुझे उनकी नज़र ठीक नहीं लगी। ऐसा लगा कि एक पल में ही उन्होंने मेरा जायज़ा ले लिया। मुझे सिर से लेकर पैर तक देखा और वहाँ से चले गए। उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। मेरे पीछे एक कैदी औरत खड़ी थी। मैंने कहा, ये कौन है? उसने कहा, ये यहाँ का जेलर है, बहुत ही जालिम इंसान है। उस लड़की ने कहा, चुपचाप चलती रहो और कोई भी सवाल मत करना, इनकी नज़रों में आ गई तो बहुत ही बुरा होगा। मैंने कहा, मुझे लगता है कि मैं उसकी नज़रों में आ गई हूँ। उसने कहा, हाँ शायद, क्योंकि तुम बहुत ही खूबसूरत हो। तुम जैसी खूबसूरत लड़की को क्या ज़रूरत थी कोई गुनाह करने की, जो तुम यहाँ पर आ गई। तुम्हें पता नहीं है, खूबसूरत लड़कियों के लिए जेल नर्क होती है। लेकिन अब कुछ भी मत बोलना। मैंने पूछा, कहाँ ले जा रहे हैं ये हमें? तो उसने कहा, इस दुनिया की सबसे बुरी जगह पर, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। ये सब कुछ तो हमारे साथ बहुत ही बुरा हो रहा है, जुल्म हो रहा है हमारे साथ, पर हम कुछ नहीं बोल सकते। अगर बोले तो इससे भी बुरा होगा। मैंने कहा, तुम मुझे डरा रही हो? उसने कहा, हाँ तुम्हें भी डरना चाहिए। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि आगे एक औरत खड़ी थी और सारी औरतों को कुछ ना कुछ पकड़ा रही थी, आगे भेज रही थी। जब मेरी बारी आई तो उसने मेरे हाथ में वो चीज़ रखी। मैंने उस तरफ देखा तो मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा, ये क्या है? उसने कहा, ये तुम्हारे काम आएगी। मैंने पूछा, ये मेरे काम कैसे आ सकती है? ये तो एक मूली है और इसके ऊपर क्या लगा रखा है तुमने? उसने कहा, इसके ऊपर असली घी लगा हुआ है, देसी घी में बहुत ही ताकत होती है। मैंने पूछा, लेकिन क्या करना है इससे हमें? उसने कहा, पता चल जाएगा तुम्हें, जल्दी से इसे अपने पास रख लो और जाओ यहाँ से। जिस जगह पर हमें ले गए वहाँ का मंज़र देखकर मैं हैरान रह गई। ये एक बड़ा सा कमरा था, उसमें अंधेरा था। अंदर दो मर्द भी खड़े थे जो शक्ल सूरत से बड़े ही खूबसूरत और जवान लग रहे थे। उनमें से एक की नज़र मुझ पर पड़ गई। उसने कहा, ये लड़की कौन है, पहले इसको नहीं देखा? तो एक सिपाही औरत ने बोला कि ये तो अभी नई आई है, कल आई थी, सुबह के वक्त आते ही अपनी कोठरी में जाकर सो गई और बहुत ही रो रही थी। कह रही थी, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे फंसाया गया है, इसलिए बड़ी उदास थी। हमने कहा, रो लो थोड़ा, दिल हल्का हो जाएगा। उसने कहा, इसको ज़रा आगे लेकर आओ। मैंने कहा, नहीं मैं नहीं आऊँगी, क्यों बुला रहे हो मुझे और क्या करवाना चाहते हो तुम लोग हमसे? मैं नहीं करूँगी ये काम, छोड़ दो मुझे। जब मैंने चीखना चिल्लाना शुरू किया तो दो औरतों ने मुझे पकड़ लिया और लाकर उस आदमी के सामने खड़ा कर दिया। उसने कहा, वो चीज़ लेकर आओ ज़रा। और जब मैंने उस औरत को देखा तो हैरान रह गई। सुबह हुई तो मैं अपने कमरे में थी, मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा था, मेरे हाथों की उंगलियाँ सूज चुकी थी, मेरी गर्दन में भी बहुत ही दर्द हो रहा था। वो लड़की मेरे सामने ही बैठी थी क्योंकि वही मेरे साथ जेल में रहने वाली थी। उसने कहा, बड़ी देर से उठी हो तुम, अब चलो काम करते हैं। मैंने कहा, जो रात भर हम लोगों ने किया है वो क्या था? ये सब कुछ मुझसे रोज़ रोज़ नहीं होगा। मैं फूट फूट कर रोने लगी तो उसने कहा, अगर रोज़ रोज़ नहीं होगा तो भी करना पड़ेगा, मजबूर हैं हम लोग, कौन है हमारे आगे पीछे। और लगता है बड़े अच्छे माहौल में रही हो तुम, जो तुमसे अब ये सब कुछ करवा रहे हैं तो तुझे इतना बुरा लग रहा है। मैंने कहा, हाँ अच्छे माहौल में ही रहती थी, अपना कमाती थी, अपना खाती थी, अच्छे से फ्लैट में रहती थी, मेरे फ्लैट में तो ऐसी ही ज़िंदगी थी, सब कुछ ठीक था। पता नहीं क्यों मैं किसी की नज़र में आई और उसकी मोहब्बत मुझे यहाँ तक ले आई। उन्होंने कहा, तू भी मोहब्बत करती थी क्या उससे? तो मैंने बताया, नहीं मैं तो मोहब्बत नहीं करती थी,
तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो मोहब्बत करता है, लेकिन मोहब्बत के दुश्मनों ने पहले ही मुझ पर वार कर दिया और देखो मैं कहाँ आ गई। एक ने कहा, इस समाज में सारे मोहब्बत के दुश्मन ही हैं, चाहे मोहब्बत शादी के बाद की हो या पहले की हो। तुम जानती हो, जब कोई औरत जेल में आती है तो फिर वो इस दुनिया और इस समाज के निशाने पर आ जाती है, क्योंकि एक औरत का जेल में आ जाना बहुत बड़ी गलती है। वो औरत जिसे चार दीवारी में रखना चाहिए, जिसे दोस्तों से छुपा कर रखना चाहिए, जब वो जेल में आ गई तो समझो वो तो समाज के बीच बीच आ गई और आकर घिर गई है। अब कोई इस पर रहम नहीं करेगा। मैंने कहा, लेकिन मैं भी बेकसूर हूँ। उसने कहा, और भी बहुत बेकसूर लोग हैं यहाँ पर, लेकिन कभी कभी कुछ सज़ाएँ ऐसी मिलती है जिनके हम हकदार नहीं होते, पर हमें फिर भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। अब उठो, रात को फिर से वही सब करना है। मैंने कहा, नहीं मैं नहीं करूँगी। उसने कहा, करना पड़ेगा। मैं फूट फूट कर रोने लगी कि ये दुनिया कितनी जालिम है। अगर मेरे साथ यही सब कुछ यहाँ हर रोज़ होता तो मैं तो यहाँ से निकलती तो ना मेरी हड्डियों में जान रहती, ना चेहरे पर रौनक। मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। मुझे कुछ सालों की कैद हुई थी, यूँ तो मेरे लिए ये कैद भी मौत थी, लेकिन शुक्र था कि मुझे उम्र कैद नहीं हुई थी। मैं यहाँ से निकल तो सकती थी, लेकिन अगर ये सब कुछ मेरे साथ होता तो फिर मेरे अंदर क्या बचता। मैं यहाँ से निकल कर अस्पताल जाती और फिर मेरी सारी ज़िंदगी अस्पताल में गुजर जाती, क्योंकि जान है तो जहान है। जिसके पास सेहत नहीं होती उसके लिए ये दुनिया किसी काम की नहीं होती। आधी रात हुई तो फिर से हमें जगाया और लाइन में लगा दिया गया। अब मुझे पता चला कि हमें मजबूत जूते पहनने को क्यों दिए गए थे, क्योंकि हमारा काम ही खड़े होकर करने का था। आगे बढ़े और उस औरत ने फिर से मुझे मूली पकड़ा दी जिस पर असली घी लगा हुआ था। हम लोग उस कमरे में चले गए और मैंने मूली हाथ में पकड़ी हुई थी तो मुझे मेरी साथ ही कोमल ने कहा, खा लो इसको, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी। क्यों नहीं खा रही हो इसे? मैंने कहा, मैं नहीं खाना चाहती इसको, नहीं चाहिए मुझे ताकत। मैं चाहती हूँ कि मैं बेहोश हो जाऊँ ताकि मुझसे ये लोग काम ना करवा सके। उसने कहा, अगर बेहोश हुई तो तुम्हें ही तकलीफ़ होगी, और आज बेहोश हो जाओगी तो क्या बाद में भी तो यही काम करना पड़ेगा। मैंने कहा कि क्या ये लोग इतने जालिम हैं कि एक इंसान बीमार हो उससे फिर भी ये काम करवाएगी? उसने कहा, जब तक जिंदा हो तब तक करवाएगी। खा लो इस मूली को, मूली के अंदर बहुत ही पानी होता है, इंसान को ताकत मिलती है, और देसी घी के फ़ायदे का तो तुम्हें पता ही है। अगर तुम ये नहीं खाओगी तो तुम्हारा अपना नुकसान होगा। इतनी मेहनत का काम है, खा लोगी तो फ़ायदा ही होगा। मैंने उस मूली को खा लिया देसी घी के साथ। मूली का जायका बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन उसकी बात सच थी, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत ही पसीना बहाना पड़ता था। अगर हम लोग मूली खा लेते तो हमें काफ़ी ताकत मिलती थी, क्योंकि मूली के अंदर आधे से ज़्यादा पानी होता है और यह आपको डिहाइड्रेशन से बचाती है। मैंने उस शख्स की तरफ देखा जो यहाँ के जेलर था। उसने कहा, आज तुम सबको जल्दी जल्दी हाथ चलाना है, तेज़ तेज़ हाथ चलाना है, ताकि काम जल्द से जल्द ख़त्म हो सके। तुम सबको भी इनाम मिलेगा। मैं बोल पड़ी, जबकि उस लड़की ने कोनी मारी कि तुम क्यों बोल पड़ी, पागल तो नहीं हो? मैंने कहा, जेलर साहब, हमें कितना कितना इनाम मिलेगा? उसने कहा, बहुत ज़्यादा इनाम मिलेगा। तुम ही हो ना वो नई जो अनई आई हो? मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, तुम तो काफ़ी हट्टी खट्टी हो और जवान हो, तुम ज़रा ज़्यादा मेहनत किया करो तो तुम्हें ज़्यादा ही इनाम मिलेगा, और अगर फिर भी इससे ज़्यादा इनाम चाहिए तो हमें, हम हैं ना। मैं घबरा गई। मैंने कहा, नहीं मैं तो बस ये कहना चाहती थी कि हम आपके लिए काम तो करते ही है, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी, मुझे इनाम नहीं चाहिए। क्या आप मुझे यहाँ से जल्दी से निकाल सकते हैं? ये सुनकर वह हंसने लगा और उसके बाकी साथियों ने भी हंसकर मेरा मजाक बनाया। उन्होंने कहा, रिश्वत दे रही हो? मैंने कहा, नहीं नहीं रिश्वत नहीं, मदद मांग रही हूँ, मेरी मदद करें। देखिए, आपने खुद ही कहा था कि मैं जवान हूँ, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, और मैं बेगुनाह हूँ। उन्होंने कहा, अगर तुम बेगुनाह थी तो ये साबित करना तुम्हारा काम था, अगर तुमने साबित नहीं किया तो समझो तुम गुनाहगार हो, क्योंकि कोई नहीं मानेगा कि तुम बेगुनाह हो। मैंने कहा, फिर भी मेरे बारे में कुछ तो सोचे। उसने कहा, कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा तुम्हारे बारे में, लेकिन अभी कुछ नहीं सोच सकते। अभी तुम ये काम करो, फिर देखते हैं तुम्हारा क्या कर सकते हैं। मैं थोड़ी खुश हो गई और मैंने कोमल से कहा, देखो बात करना इतना मुश्किल भी नहीं था। उसने कहा, तुम पागल हो,
वे बहुत ही कभी तुम्हारी मदद नहीं करेगा, और जितना तुम उसकी नज़रों में आओगी उतना ही तुम उसके दिमाग में फंस जाओगी। यहाँ पर ये लोग हमसे सिर्फ मेहनत मशक्क़त का काम करवा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे साथ ये जेलर क्या करेगा, ये सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कोमल मुझ पर गुस्सा हो रही थी, जैसे मैंने बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी कर दी हो। दरअसल ये जेल बहुत ही पुरानी थी, इतनी पुरानी कि अंग्रेज़ों के ज़माने से भी पहले की थी, और इस जेलर को किसी ने बताया था कि इस जेल के अंदर एक से एक रास्ता जाता है, एक सुराग है जिसमें बहुत सारा सोना, हीरे मोती और जवाहरात है। उसने ये भी बताया था कि कुछ लोग यहाँ से खजाना लेकर भागने की कोशिश कर रहे थे और उनके ऊपर पत्थर गिर गए थे, जिसकी वजह से वे लोग खजाना यहीं पर हमेशा के लिए कैदी हो गए। और ये सोना है, हीरे है, मोती है, पूरा खजाना है, और इसी के लिए ये औरतें से और मुझसे भी आधी रात को उस सुरंग की खुदाई करवाता है। हम लोग खुदाई वाले औजारों से लेकर सारी रात खुदाई करते थे, और सुबह 5 बजे हमें हमारी कोठरी में वापस भेज दिया जाता था। इसके अलावा जेल के सारे काम भी हम औरतें ही किया करती थी, और इसके बाद ये मेहनत मशक्क़त का काम करके हम बहुत ही निडाल हो जाते थे, और अगर कोई 2 पल भी रुक जाता कि सांस ले सके तो ये लोग उस पर भी गुस्सा करते और उसे डंडा दिखाते और कहते कि काम करो। ये काम बहुत ही मेहनत का था, इसलिए सिर्फ जवान लड़कियों से ही करवाया जाता था, अधेड़ उम्र की औरतें के बस का ये काम नहीं था। वे तो 4 घंटे भी ये काम नहीं कर सकती थी। सुरंग के बारे में कोई भी झूठ नहीं था, ये सच था कि सुरंग यहाँ पर मौजूद था, क्योंकि उसका मुंह नज़र आना शुरू हो गया था, लेकिन वे अंदर से पूरी तरह से मिट्टी और पत्थरों से भरी हुई थी, और ये पत्थर और मिट्टी वक्त के साथ इतने कठोर हो गए थे कि इन्हें तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो गया था। और हम ये काम इस तरह भी करते थे कि ज़्यादा शोर ना हो। इसके बारे में जेल के अधिकारी और बाकी लोग नहीं जानते थे, ये बात सिर्फ जेलर और यहाँ के 2-4 सिपाही लेडी कांस्टेबल को ही पता थी। और हम लोग वैसे ही यहाँ पर कैदी थे, मुजरिम थे, हमें ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे। मुझे कोमल ने बताया कि ये सुरंग तो यहाँ पर है, लेकिन ये नहीं पता कि इसके अंदर वास्तव में खजाना है या नहीं, लेकिन ये जेलर जानूनी है, ये पागल हो चुका है, इसलिए हमें ये काम करवा रहा है। इस सुरंग की खुदाई में बहुत ही नुकसान हुआ है, एक बार तो यहाँ से बहुत ही बड़ा सांप निकल आया था और एक औरत को काट लिया। ये सुनकर मैं और डर गई। मैंने कहा, फिर उस औरत का क्या हुआ? उसने कहा, क्या हो सकता था, उसको उसे डॉक्टर के पास ले जाते ही तो सब पूछते कि इस जेल में सांप कहाँ से आया। बस इसी चक्कर में उसे अस्पताल ले जाने में इन्होंने देर कर दी और वे रास्ते में ही इस दुनिया से चली गई। मैंने कहा, अगर ऐसा फिर से हुआ? उसने कहा, क्यों नहीं होगा, हो सकता है, ये सब ये बहुत ही पुरानी है और अंग्रेज़ों के ज़माने से भी पहले की है, यहाँ पर तो ऐसे जानवर और सांप निकल सकते हैं। मैंने कहा, और क्या हुआ था? तो उसने कहा, एक औरत के सिर पर पत्थर गिर गया था और वे भी वहीं पर ढेर हो गई थी, इसीलिए तो ये काम करवा रहे हैं हमसे, ताकि अगर हमें कुछ हो भी जाए तो हमारा पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर सरकार को पता चल गया कि यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर बहुत ही बुरा होगा, और फिर सरकार इस खजाने को भी अपने कब्ज़े में ले लेगी। इसीलिए तो जेलर साहब जल्दी से जल्दी ये काम करना चाहते हैं। दिन में तो बाकी लोग भी पहरे पर होते हैं जिनमें हमसे ये काम नहीं करवा सकते, रात में करवाते हैं इसलिए, और ये मूली और देसी घी इसलिए खिलाते हैं ताकि हम निढाल ना हो और मेहनत करने में आसानी हो। मैंने कहा, कोई तो होगा जिसे हम ये इस बात बता सके? उसने कहा, फ़िलहाल तो कोई नहीं है, लेकिन सुना है कि कभी कभी दौरे पर उनका एक बड़ा अफसर आता है, उसे ये बात पता नहीं है, लेकिन अगर उसे ये बात बता दी गई तो वे कोई एक्शन ज़रूर लेगा। मैंने पूछा कि वे कब आएगा? कोमल ने कहा कि उसे आए हुए बहुत ही अरसा हो गया, हमें नहीं पता वे दोबारा कब आएगा, क्योंकि वे बहुत ही दिनों के बाद आता है, पर जिसने भी उसे ये शिकायत लगाई उसकी खैर नहीं होगी, ये जेलर उसे यहीं पर मार कर कहीं फेंक देगा। मैं किसी सोच में पड़ गई तो उसने मुझसे कहने लगी कि तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि तुम्हारे आगे पीछे कोई है भी नहीं, तुम भी जवान हो, तुम्हारी सज़ा इतनी लंबी नहीं है, ख़त्म हो जाएगी तो यहाँ से चली जाना।
मैंने कहा कि तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सब बहुत ही बुरा है, हमारी हालत ख़राब हो रही है, हमारे हाथों पर छाले पड़ रहे हैं। कोमल ने कहा कि हाँ, लेकिन कुछ अंजाम मौत से भी बुरे होते हैं और हमें उनसे बचाना चाहिए। मैंने उसकी बात समझ ली और ये जेलर वाकई जनूनी आदमी था, खजाने के पीछे पागल हो गया था, क्योंकि जिस तरह से उसे बताया गया था कि यहाँ पर एक सुरंग है, सुरंग तो यहाँ पर थी, और इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ खजाना भी होता, लेकिन इसे ये सब कौन समझाए। ये बहुत ही मेहनत का काम था और मैं इस काम को करके थक गई थी, निढाल हो जाती थी। एक दिन पता चला कि जेल का बड़ा अफसर दौरे पर आ रहा है। पहले ही सबको बता दिया गया कि कोई अपनी ज़ुबान नहीं खोलेगा, और जो अपनी ज़ुबान खोलेगा उसकी खैर नहीं होगी। सभी लोग उनसे बहुत डरते थे, अगर कोई औरत ठीक से काम नहीं करती तो वे उसे मारते भी थे, इसलिए किसी ने भी शिकायत नहीं की थी। लेकिन ये डरने की बात थी, अगर हम लोगों ने ज़ुबान खोली तो हमें सज़ा मिलेगी। क्या हम ये नहीं सोच सकते थे कि हमारे साथ हो रहा है? ये बुरा हाल भी किसी से कम नहीं था, हमारे हाथों पर छाले पड़ चुके थे, हमारी हड्डियों में दर्द होता था, हम सारी रात दर्द से चिल्लाते रहते थे, हमें एक एक दर्द की गोली दी जाती थी, लेकिन दर्द इतनी ज़्यादा थी कि गोली से ख़त्म नहीं होता था। बड़े अफसर दौरे पर थे और मैं अपने काम में लगी हुई थी। आज मेरी ड्यूटी रसोई में थी और उसे ये देखना था कि कैदियों के लिए किस तरह का खाना बनाया जा रहा है, सफाई सुथराई और मानवाधिकार का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं। जैसे ही वे सामने आया, मैं उसे देखकर हैरान रह गई। मुझे लगा कि वे कोई बूढ़ा होगा, लेकिन वे तो जवान था। उसका नाम अर्जुन था और उसने बता रहा था। मैंने तुरंत जाकर उसके कदमों में बैठ गई और वे भी हैरान हो गया। मैंने कहा, सर सर हमारी मदद करें, यहाँ हमारे साथ बहुत ही बुरा हो रहा है, बहुत ही गैर इंसानी रवैया अपनाया जा रहा है। मैं पढ़ी लिखी थी, समझदार औरत हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, मैं यहाँ आई, मुझे लगा कि बस मेरी सज़ा यही है कि मुझे यहाँ कैद रखा जाएगा, लेकिन ये लोग हमसे रोज़ रात को बहुत ही ज़्यादा बहुत ही मेहनत का काम करवाते हैं। हमारी शक्ल देखे, हमारे हाथ देखे, आपको क्या लगता है हमारे हाथों पर ये छाले क्यों पड़े हैं? सभी लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे अब मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी, और जेलर भी पास ही खड़ा था। उसने कहा, सर ये पागल है, फिजूल बातें कर रही है। मैंने कहा, तुम चुप रहो, मैं अब किसी से नहीं डरूंगी। साहब देखिए, हम इस देश में रहते हैं और एक आम इंसान सोचता है कि पुलिस वाले हमारे मददगार नहीं हैं, बल्कि सिर्फ रिश्वत लेकर अपनी जेबें भरते हैं। क्या आप इस बात को गलत साबित नहीं करना चाहते? क्या वास्तव में ऐसा है? अगर ऐसा है तो मुझे बेहिचक इस दुनिया में रवाना कर दे, और लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो भगवान के लिए मेरी मदद करे। उसने कहा, आप मेरे साथ चलिए, और मुझे वहाँ से ले जाया गया और जेलर के ऑफिस में ही बैठा दिया गया। उसने कहा, मुझे पूरी बात बताएं, क्या मामला है? मैंने उसे सब कुछ बता दिया तो वह हैरान रह गया। उसने कहा, अगर इस जेल में कोई सुरंग है और उसमें सोना है भी, तो ये सरकार का है, और इसे निकालने के लिए हम कोई और तरीका भी अपना सकते हैं। अब इस जेलर की खैर नहीं है, लेकिन आपको मेरा साथ देना होगा। मैंने कहा, अगर आप मुझे यहाँ पर छोड़ देंगे तो ये लोग मुझे जान से मार देंगे, ये सब लोग इससे डरते हैं, ये हमारे लिए यमराज बना हुआ है। उसने कहा, ठीक है, फिर मैं आपकी सुरक्षा का भी इंतज़ाम कर देता हूँ। ये बड़ा आदमी वास्तव में बहुत ही अच्छा था, और उसने कहा कि वे मेरी सुरक्षा भी करेगा, क्योंकि अगर मुझे ऐसे ही छोड़ कर जाता तो मेरी हड्डियाँ भी नहीं मिलती। जेलर मुझे जिस तरह से देख रहा था, उसने मुझे ही कहीं गंवा देना था, मेरे साथ बहुत ही बुरा हो सकता था। मैंने बहादुरी तो कर ली थी, लेकिन कभी कभी बहादुरी की कीमत भी चुकानी पड़ती है, इसलिए कहते हैं कि दिमाग भी सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। उसने मुझे वहाँ से शिफ्ट कर दिया और वापस उसी जेल में रख दिया जहाँ पर सज़ा सुनाने से पहले मैं रहती थी, यानी कि वहाँ जहाँ मेरे ट्रायल हुए थे। यह जेल नहीं बल्कि एक तरह का कमरा था जिसमें 8-10 बेड लगे होते थे और उसी में औरतें सोती थीं, और जब उन्हें सज़ा हो जाती तो उन्हें बड़ी जेल में भेज दिया जाता। यहाँ पर मैं बैठी थी और मैं ठीक थी। इस जेलर को बर्खास्त कर दिया गया था और सुरंग की खुदाई का काम सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, लेकिन इस सुरंग में कोई सोना नहीं निकला। वे सुरंग बहुत ही दूर जाती थी, लेकिन उसमें कोई सोना या खजाना नहीं था। उसके बाद जो लोग जेलर के साथ मिले हुए थे, उन्हें भी नौकरियों से निकाल दिया गया।
और जब सब कुछ ठीक हो गया तो मुझे वापस भेज दिया गया। मेरी सज़ा 1.5 साल की रह गई थी क्योंकि मेरी बहादुरी की वजह से ही मेरी सज़ा कम कर दी गई थी। मैंने पुलिस का साथ दिया था इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ था। और मेरा समय पूरा होने वाला है। मैं यहाँ से जल्दी चली जाऊँगी, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ वहाँ क्या रवैया अपनाया जा रहा था। आप लोग बताएं कि मैंने ठीक किया या नहीं। अब मैं यहाँ से चली जाऊँगी और इसके बाद ये कहानी और लोगों को भी सुनाऊँगी ताकि सबको पता चल सके कि असल में जेलों के अंदर क्या होता है। अगर किसी ने गलती की है और अपने आप ने उसकी सज़ा दी है तो ये कहाँ लिखा है कि वे आपकी संपत्ति बन जाए और आप उसके साथ जो चाहे करें। जेल में मुजरिम सज़ा काटने ही जाते हैं, लेकिन सज़ा के ऊपर सज़ा कौन देता है। पर मैं साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि कोमल की बात बिल्कुल सही थी कि जब एक औरत जेल में चली जाती है तो वे सभी के लिए एक आसान शिकार बन जाती है। इसलिए औरतों की जेल पर विश्वास इंतज़ाम करना चाहिए और इस बात का चेक और बैलेंस रखना चाहिए कि वहाँ उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। कोमल ने कहा था कि अगर तुम जेलर की नज़रों में आ गई तो कुछ बुरा और हो जाएगा। इसका मतलब यही था कि जेलर उन औरतों को किसी और काम के लिए भी इस्तेमाल करता था, लेकिन वे वहाँ से चला गया। और उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति आया वो बहुत ही नेक और अच्छा इंसान था। वे सारी औरतों को अपनी बहन बेटी और माँ की नज़र से देखता था और यही कहकर बुलाता था कि वे कहता था कि आप लोगों ने जो गुनाह किए हैं आपको उनकी सज़ा मिल रही है। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपके साथ सिर्फ इसलिए बुरा करें कि आप लोग मुजरिम हैं। वे इंसान बहुत ही अच्छा था और वहाँ पर अब मेरा वक्त अच्छा गुजर रहा था क्योंकि अब मेरा समय भी ख़त्म भी होने वाला था। आखिर में यही कहना चाहूँगी कि दुनिया वाकई बहुत बुरी है। यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। इंसान को हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है, अपने आप को जगह जगह पर बचाना पड़ता है। पर हैरानी और खुशी की बात यह है कि मेरे बॉस ने भी मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश की थी और वे मेरे घर रिश्ते को पैगाम भेजना चाहते थे। वे मुझसे शादी करना चाहते थे, इसलिए उस लड़की ने मुझसे दुश्मनी निभाई थी। मुझे लगता है कि मैं यहाँ से निकलकर उनसे शादी कर लूँगी क्योंकि वे मेरी मौसी से मिलने गए थे और उन्हें तसल्ली देकर आए थे। भगवान करे हम सबकी इज्जतें महफूज रहे। मेरे जीवन का बहुत ही बुरा समय था, लेकिन गुजर गया। कुछ भी हो, समय तो गुजर ही जाता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।